क्या उड़ाने का हमको, साला हॉर्न मार रहा है। हेलो गाइस, कैसे हो? अच्छे हो गए शायद। तो बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है, लगभग 3-4 महीने तो ऑलरेडी हो गए हैं। क्या था, लॉकडाउन था आपको भी बताए। आज शाम को हम अहमदाबाद निकलने वाले हैं, तो देखते हैं। बाइक की सर्विस भी करवानी है, अभी दूसरी सर्विस आ गई है, तो 4,000 किलोमीटर तो ऑलरेडी चल गई है बाइक। तो देखते हैं कौन से सर्विस स्टेशन पर जाएंगे। और मेरे फ्रेंड बोल रहे थे भावनगर अहमदाबाद हाईवे बन चुका है, फिलहाल तो पहले तो सर्विस करवानी है हमको, तो सर्विस कराएंगे, फिर बाद में सोचेंगे अगर टाइम मिला तो एक दिन स्टे भी करेंगे और कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। आप तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वाले वीडियो को लाइक भी कर देना। हमने नया कैमरा ले लिया है आपके लिए, और सोनी का कैमरा लिया है 6400, लेकिन उस क्या हुआ यार, अनबॉक्सिंग नहीं कर पाए उसकी, तो इसलिए उसका वीडियो नहीं डाला था। और जो कैनन का कैमरा था हमारे पास, निकॉन का था, वो हमने बेच दिया है, और अभी फ़िलहाल सोनी का हमने ले लिया है 6400। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये उसी की रिकॉर्डिंग है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना क्वालिटी कैसी लग रही है वीडियो की। वेलकम बैक माई YouTube चैनल, आप लोग देख रहे हैं जेएम गुजरात राइडर। आज बहुत दिनों के बाद हमारा ब्लॉग आपको मिलने वाला है, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, तो बने रहना आज के ब्लॉग में। आज हम अहमदाबाद जाने वाले हैं, और बाइक की सर्विस भी करवानी है और थोड़ा काम भी है। और अहमदाबाद में तो क्या, आप चलो देखते हैं वहाँ पर क्या देखने लायक है, बताएंगे वहाँ जाकर आपको। अभी ब्लॉग नहीं आ रहे थे तो उसका कारण तो आपको पता ही होगा, अभी कोविड का टाइम चल रहा है ना, इसलिए कोई भी राइड नहीं हो रही थी, सब कुछ क्लोज था, और शोरूम की तरफ से भी राइड कोई प्लान नहीं की थी, संडे राइड भी। और एक जगह पर गया था लेकिन मैंने वहाँ पर ब्लॉग शूट नहीं किया था, तो अभी आज सोचा कि चलो अहमदाबाद ही चलते हैं और आपको बढ़िया सा ब्लॉग दिखाते हैं। तो इस वाले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और छोटी सी कमेंट भी कर देना जो आपको अच्छी लगे हो। बस अभी निकल गए हैं रेडी होके, वहाँ पर हम एक दिन हम स्टे करने वाले हैं, देखते हैं कहाँ पर जाएंगे, वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। और एक हमारा फ्रेंड आने वाला है, अभी उसके घर जाएंगे, उसको लेंगे, फिर निकलेंगे हम अहमदाबाद। बाकी ये देखो हमारे भावनगर के नज़ारे, वो भी नाइट के। बाकी तो और क्या बताओ, अभी लगभग 3-4 महीने हो गए शायद मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया। और आज चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी धीरे धीरे कंटेंट आते रहेंगे आपके लिए। अभी कुछ प्लानिंग भी चल रही है लेकिन वो कंफर्म नहीं हुआ है, अगर कंफर्म होगा राइड तो आपको बताएंगे, वरना नहीं बताएंगे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहो यार, चलिए आपको आगे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। तो अभी सुबह के 5:30 बज गए और अभी अहमदाबाद दूर है, 40 किलोमीटर दूर है। दो बार रुके थे हम नाश्ता करने के लिए लेकिन वहाँ पर कुछ शूट नहीं किया मैंने। और आप सोच रहे थे आप तो यार 12 बजे निकले थे और अभी 5:30 बजे में इतनी बाइक चलाई, तो ऐसा हुआ था दो बार हम रुके थे ना, तो एक एक घंटा हमने रेस्ट किया था बीच में, तो इसलिए धीरे धीरे से जा रहे हम। देखो हमारी स्पीड भी 60 की है, अभी देख रहे हो ना आप, अभी थोड़ी रोशनी हो चुकी है, 5:30 बज गए ना, इसलिए
ये मच्छर अभी मच्छर हेलमेट में गिरी है। और रोड की बात करूँ तो अभी तो फिलहाल अच्छा ही है रोड भावनगर से अहमदाबाद का। बीच में काम चल रहा है एक दो जगह पर, लेकिन सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रोड भी अच्छा ही है। पीछे के टायर में यार हवा चली गई थी यार, फिर बीच में तो हमने भरवाई लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया है हमने। मैंने सोचा आपको बता दूं। तो अभी 40 किलोमीटर दूर है, होटल बुक करवाते हैं या फिर पहले सर्विस करवाते हैं, देखते हैं। चलिए तो आपको वहां जाकर ही मिलेंगे। अभी पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है, डलवाना पड़ेगा और पंप आ नहीं रहा है। वहीं पर तो सिर्फ डीजल ही था, पेट्रोल नहीं था। देखिए धीरे धीरे रोशनी आ रही है ना, एकदम बढ़िया लग रहा है। सुबह का नज़ारा तो यार क्या बताओ। थोड़ी थोड़ी सी ठंड लग रही है, जैकेट भी पहनना है तभी भी ठंड लग रही है। अभी नाश्ता भी करना होगा यार, बीच में तो सिर्फ दो बार चाय पी थी हमने और कुछ खाया नहीं था हमने। तो देखते हैं अहमदाबाद जाकर नाश्ता वगैरह करेंगे, पंप आए तो अच्छा रहेगा वरना ख़त्म हो जाएगा पेट्रोल। पंप तो दिख रहा है लेकिन उस साइड में यार, इस साइड में नहीं है, उस साइड तो हम जा नहीं सकते, पूरा घूम कर जाना होगा। क्या बढ़िया है तालाब। बड़ी बड़ी फैक्ट्री है देखो यहाँ पर। ये मैंने लोकेशन है, सर्विस सेंटर है ना, वहीं का लोकेशन डाला है। अभी तो सर्विस सेंटर यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है, अभी मैप में दिख रहा है। क्या बड़े बड़े ट्रक है देखो, तो इसकी हाइट तो देखो कितनी बड़ी है। अभी यार क्या बताओ यार, नींद भी आ रही है मेरे को। टंकी फुल करवा देते हैं क्या बोलते हो? अच्छा इंडियन ऑयल का भी है तो चलिए दोस्तों टंकी फुल करवाते हैं और जेब थोड़ी हल्की करते हैं। कहाँ पर है पेट्रोल? पेट्रोल हाँ स्वाइप तो कर सकते ना, क्या जाए फूल करना है।
चलिए फाइनली तो हम अहमदाबाद पहुंच गए भारतीय बापू। अरे क्या उड़ाने का हमको, साला हॉर्न मर रहा है। गांधीनगर हाईवे है, गांधीनगर है। अभी हमारा शोरूम 12 किलोमीटर दूर है। अब आपको वही सच्चाई आएगी, हमने हमारा हेलमेट का शटर बंद कर दिया है अभी फिलहाल। क्या बात है, क्या नजारा है यार सुबह का। पूरा केसरिया रंग छाया हुआ है आसमान पर, देखो यार, और बादल भी है। अभी टंकी फुल हो चुकी है हमारे बाइक की, तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है। क्या बात है, बड़ी बढ़िया है बिल्डिंग तो बहुत सारी है। निर्वाणा तो सिग्नल ओपन है, बात है, बहुत ही अच्छा गार्डन है यहाँ पर तो। स्पीड ब्रेकर, बढ़िया बिल्डिंग है यार। एकदम बढ़िया है यार, एक नंबर। मॉल है शायद, नहीं मॉल नहीं है, आसमान पर देखो यार केसरिया रंग। कैमरा में कौन सा रंग दिख रहा है वो मेरे को पता नहीं, मुझे तो केसरिया दिख रहा है अभी। वो देखो अपने सूरज दादा कितने खूबसूरत है। मैप में देखा है, अच्छा गुरुद्वारा है। हाँ अभी हमको यहाँ पर राइट लेना है आगे से, टर्न राइट। गूगल माता कौन से रास्ते ले जा रही है। गलियों में से रास्ता निकलेंगे गूगल तो। बढ़िया सा पुल है, हमारे भावनगर में भी बन रहा है यहाँ इस तरह का पुल, देखते कितने टाइम में बनेगा। 2 साल तो लगेगा ही।